सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि का बहुत ही पावरफुल समय चल रहा है और इस समय में आपके द्वारा किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण करवा सकता है। ऐसे में हम बात करेंगे, बच्चों की शादी में देरी होने से माता पिता परेशान है। बच्चों की शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी बात चलाई जाती है, बात सफलता तक नहीं पहुंचती है। कहीं पर भी बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, तो आज ही नोट करके रखें 22 अक्टूबर की डेट। 22 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि होगी और अष्टमी तिथि इतनी पावरफुल मानी जाती है किसी भी प्रकार के बंधन दोष को तत्काल खोलने के लिए। शारदीय नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि है, इस दिन मां भगवती दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है और नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन भूमंडल सकारात्मक ऊर्जाओं से आच्छादित रहता है, विशेष रूप से देवीय शक्तियों से प्रभावित रहता है भूमंडल नवरात्रि की अष्टमी के दिन। और इस दिन आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसका परिणाम बहुत जल्दी आपके सामने होता है। ऐसे में हम बात करेंगे, जिन लड़के लड़कियों की शादी के योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी बात नहीं बन रही है, शादी की उम्र निकलती जा रही है, तो शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि 22 अक्टूबर के दिन शीघ्र विवाह कराने वाला यह छोटा सा चमत्कारी उपाय जरूर करना। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के निमित्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन इस प्रयोग को जरूर संपन्न करें। किस प्रकार से इस प्रयोग विधि को संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे शादी कब कहां किससे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए अन्य कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं, शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि को शीघ्र विवाह कराने वाला, जल्दी शादी कराने वाला महाचमत्कारी उपाय किस प्रकार से आपको संपन्न करना है। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के निमित्त इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। तो 22 अक्टूबर को प्रातः जल्दी उठ जाएं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और सर्वप्रथम अपने घर के पूजा स्थान के समक्ष जाकर के जो विराजित देवी देवता हैं उनके चरणों में अपनी शीघ्र मनोकामना सिद्धि हेतु प्रार्थना करें। पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, आस्था से, सच्ची तन्मयता से प्रभु चरणों में अपने मनोभाव को, मन की अर्जी को रखें और विशेषतः महागौरी स्वरूप की, मां भगवती के महागौरी स्वरूप की विशेष रूप से आप चिंतन करें, ध्यान करें कि हे मां भगवती, हे महागौरी, जल्दी से जल्दी मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के निमित्त बारंबार प्रार्थना करें, चिंतन करें और उसके पश्चात यह विशेष प्रयोग आपको प्रारंभ करना होगा। आपको एक सफेद रंग का कोई भी कपड़ा लेना होगा, पहले से यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए, सफेद रंग का कोई भी एक कपड़ा ले लीजिए, उस पर गंगा जल का छींटा मार के और रोली से एक स्वस्तिक बना दीजिए, उस सफेद रंग के कपड़े पर एक सातिया बना लीजिए, स्वस्तिक बना दीजिए। उसके बाद आपको लेना है जटा वाला सूखा नारियल, उस पर गंगा जल का छींटा मार के मोली से 3 बार, मोली जिसको कलावा बोलते हैं हाथ में बांधने वाली, उसको 3 बार लपेट करके अपनी मनोकामना बोल करके वो जो सफेद कपड़े में आपने स्वस्तिक बनाया उसके ऊपर आप उस नारियल को रख दीजिए और जो महागौरी स्वरूप होता है मां भगवती का, इसको श्वेत पुष्प सर्वाधिक प्रिय होता है, तो 7 कोई भी सफेद पुष्प ले सकते हैं, मोगरा के पुष्प ले सकते हैं या चमेली के पुष्प ले सकते हैं। मोगरा या चमेली के 7 पुष्प पर इत्र लगा करके
जो आपने नारियल रखा है, श्रीफल रखा है, उसके ऊपर रख दीजिए और जो सफेद कपड़ा है उसको बांध के एक पोटली बना लीजिए। उसके पश्चात जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसको पूजा स्थान के समक्ष बुलाएं, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा करें और उसके ऊपर क्लॉक वाइज उस पोटली को 7 बार वार लीजिए। बच्चा बच्ची यदि घर में उपस्थित नहीं है और माता पिता इस प्रयोग को करते हैं तो बेटा या बेटी की जो भी फोटो हो, तस्वीर हो, उसके ऊपर 7 बार वार लेना है और उसके पश्चात आसपास में कोई भी मां भगवती दुर्गा का मंदिर हो जहां पर सुबह शाम आरती बत्ती हो, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, ऐसे मंदिर चले जाना है। बीच में किसी से भी कोई बातचीत नहीं करनी, नहीं बोलना। क्लॉक वाइज 7 बार वारने के बाद इसे पिता कर सकते हैं, मां कर सकते हैं या बच्चा बच्ची स्वयं अपने लिए करें तो उनको वारने की आवश्यकता नहीं है। मां भगवती का कोई भी मंदिर हो वहां पर मां भगवती के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। यदि चरणों तक पहुंचना संभव नहीं है तो जो पंडित जी हैं, पुजारी जी, उनको निवेदन कर दें तो वो वहां पर मां भगवती के चरणों में रख देंगे। और मां भगवती का जो महागौरी स्वरूप होता है इसका विशेष भोग होता है पंचमेवा का। तो आप थोड़ा सा पहले से घर से भोग लेके जाएं पंचमेवा का बना के। पंचमेवा हो गया बादाम, काजू, किशमिश, मिश्री और जो नारियल होता है, जो गिट होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए आप नारियल। तो इन पांचों चीजों का पंचमेवा बना के और ये पोटली अर्पण करने के बाद मां भगवती के भोग लगा दीजिए आप। पंचमेवे का भोग लगाएं और वहीं मंदिर में आसन पर बैठ के 5-10 मिनट के लिए ध्यानस्थ होकर के मां भगवती के चरणों में बारंबार अपनी अर्जी करें, प्रार्थना करें कि हे मां भगवती, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का बंधन दोष है, राहु से जनित दोष है, शनि से जनित दोष है, पितृ दोष है, गुरु चांडाल दोष है, किसी भी प्रकार का दोष है तो उसकी कुंडली को सभी प्रकार के दोषों से मुक्त करना और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का आशीर्वाद प्रदान करना। ऐसा बारंबार देखिए, कोई भी देवी या शक्ति से अपना कार्य करवाने के लिए विशेष जो सबसे बड़ा कार्य होता है ना उपाय के साथ में, वह होता है आपकी मन की अंतर्दशा कैसी है, आपका मनोभाव कितनी शिद्दत से उस प्रयोग को कर रहा है, कितनी दृढ़ निश्चय होकर के कर रहा है, आपका संकल्प, आपकी जो संकल्प शक्ति है वो कितनी ज्यादा तीव्र है, आपके ब्रेन की जो फ्रिक्वेंसी है कितनी ज्यादा हाई है, प्रभु चरणों से आपकी कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा पावरफुल है, उतना ही जल्दी प्रयोग अपना असर दिखा देता है। 10-15 मिनट वहां मां भगवती के चरणों में बैठ के, ध्यान रखिए इस प्रयोग को दोपहर 12 बजे से पहले संपन्न कर देना है 22 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि की अष्टमी को। छोटी सी आसान से प्रयोग विधि है, कोई कठिन प्रयोग नहीं है, लेकिन ये एक ही दिन पर्याप्त है बड़े से बड़ी विवाह बाधा को दूर करने के लिए, बड़े से बड़े ग्रह दोष को नष्ट करने के लिए। तो पूर्ण भाव से, आस्था से, श्रद्धा से इस शीघ्र विवाह कराने वाली प्रयोग विधि को नवरात्रि की अष्टमी तिथि 22 अक्टूबर के दिन जरूर संपन्न करें। ऐसा करने से एक ही दिन में ग्रह दोष दूर होंगे और बहुत जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। मेरे द्वारा आप अपने बेटा या बेटी की कुंडली का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है मुझे यहां पर आप संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण करवा सकते हैं। यदि आप अपने आप से खुद से जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो एक बार ज्योतिष गुरुजी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक करें, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। और मैं अपने इष्ट देव के चरणों में आप सभी प्रिय दर्शकों के लिए कामना करता हूं कि जो भी इस प्रयोग को पूर्ण भाव से, श्रद्धा से अपनाए, हे इष्ट देव भगवान, उनका मनोरथ अवश्य पूर्ण कर देना। और विशेषतः मां भगवती के महागौरी स्वरूप का, मां भगवती के महागौरी स्वरूप का बार बार चिंतन करना है, उस दिन बार बार चिंतन करना है क्योंकि अष्टमी तिथि को महागौरी स्वरूप होता है मां भगवती का। तो मां भगवती के महागौरी स्वरूप के चरणों में बारंबार मेरा भी निवेदन है कि मेरे जो भी ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल के दर्शक है, जो विवाह से संबंधित परेशान है, मां भगवती उनका जल्दी से जल्दी मनोरथ पूर्ण कर देना। और एक विशेष निवेदन आप सभी प्रिय दर्शकों को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर देना ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं, बहुत परेशान हैं बच्चों की शादी को लेकर के, उन तक ये वीडियो पहुंचे और इस चमत्कारी प्रयोग को करके उनको लाभ प्राप्त हो तो उनकी आत्मा आपको बहुत आशीष देगी, दुआएं देगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर देना
और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।